वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा आ पहुंची है मूलांक 7 भाग्यांक 1 पर। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो, वो सभी जातक मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं। और भाग्यांक 1 यानी जिनका डेट मंथ एंड ईयर का टोटल 1 हो, उनका भाग्यांक 1 होगा। यहाँ चर्चा होगी कि जिनका ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 1 है, ये कम्बिनेशन क्या कहता है, इस पर मैं आज चर्चा करूँगा। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों इतनी बेनती करूँगा आपसे कि आप मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है मूलांक 7 पर विस्तार से, उसको एक बार आप अवश्य देख लें। अगर आपने मूलांक 7 पर बनाए हुए मेरे वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो आपको ये कम्बिनेशन जो है, जो संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके जीवन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देने में सहायक सिद्ध होंगे, यदि आपने मेरे मूलांक 7 पर बनाए हुए वीडियो को ध्यान से देखा। चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु और भाग्यांक 1 का स्वामी ग्रह सन, तो ये दोनों आपस में, इनकी चूँकि मूलांक 7 एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, केतु ग्रह, जिसका कि कोई शत्रु प्लैनेट है ही नहीं, इसलिए इनका हर एक ग्रह के साथ अच्छी तालमेल बन जाती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन ठीक ठाक कम्बिनेशन है, ये एक अच्छा कम्बिनेशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि मूलांक 7 वालों की किसी के साथ शत्रुता नहीं है, तो मूलांक 7 और भाग्यांक 1 आपस में कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंडली कम्बिनेशन है, और इसका फल भी अच्छा ही मिलता है। और ये ऐसे जातक हर क्षेत्रों में कामयाब होते हैं, क्योंकि केतु ग्रह का जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, केतु धड़ है, उसके पास सिर नहीं है, तो केतु हमेशा दिल से सोचता है, और ये दिल से सोचने वाला ग्रह है, इसलिए केतु प्रधान नंबर 7 के जितने भी लोग हैं वो दिल से सोचते हैं, और दिल से सोचने के कारण ये एक इमोशनल पर्सन कहे जाते हैं। तो ये एक अच्छे लोग होते हैं जो नंबर 7 के लोग हैं, और उन्हें जब सन का साथ मिल जाता है तो ये काफ़ी जीवन में अच्छी तरक्की को करते हैं, अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं हर उस क्षेत्र में, जहाँ हर क्षेत्र में ही ये एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि नंबर 7 का कोई शत्रु प्लैनेट नहीं है, इसलिए ये हर एक के साथ एडजस्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, और ऐसे जातक हर क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लकी नंबर को अगर जीवन में ये समावेश कर लें तो इन्हें सफलता और भी आसानी से मिल जाती है। वो लकी नंबर इनके लिए होंगे 4। 4 को अपने जीवन में स्थान देकर जीवन में सफलता को बहुत शीघ्र ये प्राप्त करते हैं। नंबर इनके लिए अगला आता है नंबर 5, नंबर 6। इन नंबरों को अपने जीवन में जगह देने से इन्हें सफलता बहुत आसानी से और बहुत शीघ्र और बहुत सुंदर सफलता इन्हें मिल जाती है। और कार्य के बारे में मैं कहूँगा कि हर वो क्षेत्र जो मूलांक 7 वाले जो हैं, वो एक खोजी केतु एक खोजी प्लैनेट है, रिसर्च करने वाला प्लैनेट है, क्योंकि इसकी उत्कंठा होती है नई नई चीज़ों को खोजने की, नया कार्य करने की, तो हर उस नए खोजी पूर्ण कार्यों में ये सफल होते हैं प्राय। बाकी ये हर कार्य में, बिजनेस में हो या जॉब में हो, हर जगह कामयाब हो जाते हैं, ये एक शुभ कम्बिनेशन है। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने इनके लकी नंबरों के बारे में भी बता दिया, आपने बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।